गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन नोटोथाइलस। तो अब तक हमने इसमें एंथ्रीडिया आर्किगोनिया डेवलपमेंट देख लिया था कि किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होता है, फिर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट टू एन स्ट्रक्चर होती है। टू एन स्ट्रक्चर से मतलब हो गया कि इसमें मेल और फीमेल गैमिट जो कि हैप्लोइड थे दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए और दोनों के क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर जायगोट बनते के साथ ही जो सेल बनती है डिप्लॉइड सेल, वो अपने चारों ओर कुछ सीक्रेट करने लग जाएगी और एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है। सीक्रेशन करके वॉल उसने बना ली और इस तरीके से जायगोट प्रोटेक्ट रहता है। और जो वेंटर होता है वो साइज में बड़ा हो जाता है और फूल जाता है, जिसके अंदर जायगोट अपनी ग्रोथ शो करता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि जायगोट से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। जायगोट में लगातार डिवीज़न होंगे कंटिन्यू, जिसके कारण पहले दो सेल बनती हैं, दो के बाद चार सेल बन जाएंगी और यह क्वाड्रेट स्टेज कहलाती है। फोर सेल स्टेज होती है क्वाड्रेट स्टेज। फिर उसके बाद इसमें दोबारा से डिवीज़न होंगे और एट सेल्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। एट सेल्ड एम्ब्रियो सेल अरेंज्ड इन टू टीयर्स ऑफ फोर सेल, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेंट स्टेज। एट सेल एम्ब्रियो है, उसमें क्या होगा, आठ सेल्स हैं। अब ये आठ सेल्स में से चार ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएंगी, चार नीचे की तरफ, तो दो टीयर बन जाएंगी, दो टीयर या लेयर बन जाती हैं। तो इस तरीके से यह स्टेज ऑक्टेंट स्टेज कहलाती है। ऑक्टेंट स्टेज में जो अपर टीयर होता है वो फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, लोअर टीयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फर्दर डिवीजन पार्टिसिपेट करेगा। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ थ्री टीयर्स ऑफ फोर सेल ईच, तो जो अपर टीयर था उसमें वापस से डिवीजन होंगे और इसके कारण थ्री टीयर बन जाएंगे, चार चार सेल के थ्री टीयर बन गए अपर टीयर के कारण। द सेल ऑफ द अपर मोस्ट टीयर बाय रिपीटेड डिवीजन डिफ्रेंशिएशन एंड कंटिन्यूड ग्रोथ फॉर्म द कैप्सूल एंड इंटरमीडिएट नैरो जोन। तो इस तरीके से हम यह देखते हैं जो ऊपर वाला टीयर था उसकी कोशिकाओं में विभाजन हुआ, तीन टीयर बन गए। अब इन तीन टीयर्स में से जो सबसे ऊपर वाला टीयर होगा उसमें वापस से डिवीज़न होंगे, डिफरेंशिएशन होंगे और कंटिन्यू ग्रोथ शो करेंगे और यह आगे जाकर के कैप्सूल और इंटरमीडिएट नैरो जोन बनाता है इस तरीके से। और द सेल ऑफ लोअर टू टीयर फॉर्म द फूट, और नीचे वाले टीयर की जो सेल्स होती हैं, दो टीयर बचे हैं, ये फूट का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरीके से जो सबसे पहले अपर और लोअर टीयर का फॉर्मेशन हुआ ऑक्टेंट स्टेज में, अब उसमें से भी जो केवल अपर टीयर रहता है उसकी सेल्स में डिवीजन होगा, तीन टीयर बनाएंगे। तीन टीयर में से जो सबसे ऊपर वाला है वो तो कैप्सूल और इंटरमीडिएट नैरो जोन बनाएगा और नीचे के दो जो बच रहे हैं वो इसमें लोअर फूट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि अपर मोस्ट टीयर में आगे क्या क्या चेंजेस होंगे। अपर मोस्ट टीयर सेल, इसमें पेरिक्लिनल डिवीज़न हुआ, पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है जिसमें बिल्कुल सीधे लाइन वाले डिवीज़न होंगे ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से इसकी कोशिकाओं में विभाजन हुए पेरिक्लिनल डिवीज़न, इसके कारण सेल दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, आउटर एम्फीथीसियम और इनर एंडोथीसियम। आउटर एम्फीथीसियम और इनर एंडोथीसियम, एम्फीथीसियम जो कि बाहर की लेयर्स बनाएगी और इनर एंडोथीसियम, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई सेल्स। अब यहाँ पे ऑन द फेट ऑफ एंडोथीसियम नोटोथाइलस स्पीसीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज।
जो एंडोथीसियम होती है नोटोथाइलस में, उसके फेट के बेसिस पर कि आगे उसका फेट क्या रहेगा, उसके आधार पर यहाँ पे नोटोथाइलस स्पीसीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है कॉलोमिलेट स्पीसीज एंड सेकेंड नॉन कॉलोमिलेट स्पीसीज, कॉलोमिलेट स्पीसीज और नॉन कॉलोमिलेट स्पीसीज। तो कॉलोमिलेट स्पीसीज ऐसी हो जाएंगी जो एंडोथीसियम कॉलोमेला फॉर्मेशन करेंगी, और नॉन कॉलोमिलेट ऐसी स्पीसीज जहाँ पे कॉलोमेला का फॉर्मेशन एंडोथीसियम से नहीं हुआ। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं कॉलोमिलेट स्पीसीज, इसके एग्जांपल हैं नोटोथाइलस इंडिका एंड नोटोथाइलस ऑर्बिकुलरिस। एंटायर एंडोथीसियम फॉर्म द कॉलोमेला, इसमें जो पूरा एंडोथीसियम है वो कॉलोमेला का फॉर्मेशन करता है। कॉलोमेला इज सेंट्रल इन पोजिशन, सेंट्रल पोजिशन में पाई जाती है। एम्फीथीसियम सेल पेरिक्लिनल डिवीजन, आउटर सेल कैप्सूल वॉल बनाएगी और इनर सेल फंक्शन एज आर्किस्पोरियम। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलोमेलेट स्पीसीज में जो पूरी एंडोथीसियम है वो तो यहाँ पर कॉलोमेला का फॉर्मेशन कर देगी, और कॉलोमेला यहाँ पे सेंट्रल पोजिशन में पाई जाएगी। एम्फीथीसियम की सेल्स होती हैं, उनमें पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा। तो इस तरीके से यहाँ जब देखते हैं तो इसमें क्या है कि एंडोथीसियम वहाँ की कोई भी कोशिका यहाँ पे फर्टाइल नहीं मिलेगी, सारी की सारी कॉलोमेला फॉर्मेशन में काम आएगी। अब जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो होता है एम्फीथीसियम सेल से। एम्फीथीसियम में पेरिक्लिनल डिवीज़न होंगे, इसके कारण आउटर सेल और इनर सेल में यह डिवाइड हो गई, वापस से डिवीजन हुए आउटर सेल और इनर सेल। आउटर सेल तो कैप्सूल वॉल बनाएगी, जो कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा स्पोरोफाइट के कैप्सूल का, उसकी वॉल बना देगी। इसके अलावा जो इनर सेल्स थी एम्फीथीसियम की, इनर सेल डिवीजन के बाद फंक्शन एज आर्किस्पोरियम, आर्किस्पोरियम की तरह फंक्शन करने लग जाती है। आर्किस्पोरियम डोम शेप्ड होती है। अब आर्किस्पोरियम में आगे फिर से विभाजन होंगे और डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे। तो इसमें यह स्पोर मदर सेल और स्टराइल सेल बनाती है। तो इस तरीके से जो कॉलोमिलेट स्पीसीज होती है उसमें क्या होता है, जो एंडोथीसियम होगी वो तो कम्प्लीटली स्टराइल हो जाएगी और कॉलोमेला का फॉर्मेशन कर देती है, और जो एम्फीथीसियम की सेल होती है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे, जो बाहर वाली सेल्स हैं वो तो कैप्सूल बनाएंगी, अंदर वाली सेल्स हैं जो आर्किस्पोरियम की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। फिर इन सेल्स में आगे और डेवलपमेंट होगा और इसके कारण फर्दर डेवलपमेंट से स्पोर मदर सेल और स्टराइल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर कॉलोमिलेट स्पीसीज में यह बात की जाए कि इसकी फर्टाइल लेयर या स्पोर फॉर्मेशन किससे होता है, तो इसके लिए कहेंगे इनर एम्फीथीसियम से, जो कि आर्किस्पोरियम की तरह बिहेव करती है और स्पोर मदर सेल और स्टराइल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। सेकंड देखते हैं नॉन कॉलोमिलेट स्पीसीज। नॉन कॉलोमिलेट स्पीसीज में नोटोथाइलस चौधरी एंड नोटोथाइलस लेवियरी, ये इसकी दो स्पीसीज है। एंटायर एंडोथीसियम इज फर्टाइल एंड फॉर्म आर्किस्पोरियम। तो इसमें क्या होगा, जो एंडोथीसियम होती है वो कम्प्लीटली फर्टाइल मिलेगी और स्पोर्स का फॉर्मेशन या आर्किस्पोरियम का फॉर्मेशन एंडोथीसियम से ही होगा। एम्फीथीसियम का काम सिर्फ कैप्सूल वॉल बनाना होता है, आर्किस्पोरियम फॉर्म स्पोर मदर सेल एंड स्टराइल सेल। तो जिस तरीके से कॉलोमिलेट स्पीसीज में देखा कि उसमें तो जो कम्प्लीटली एंडोथीसियम थी वो कॉलोमेला बना देगी, और आर्किस्पोरियम की इनर सरफेस से ही एम्फीथीसियम की इनर सरफेस से आर्किस्पोरियम बनेगी, जो कि स्पोर मदर सेल बनाती है। क्योंकि नॉन कॉलोमिलेट में ऐसा नहीं होगा, नॉन कॉलोमिलेट में जो एंडोथीसियम थी वो फर्टाइल हो जाएगी और आर्किस्पोरियम बनाएगी। एम्फीथीसियम से कैप्सूल वॉल बनेगी, तो एंडोथीसियम यहाँ पे कम्प्लीटली फर्टाइल पाई जा रही है नॉन कॉलोमिलेट में, और इस तरीके से यहाँ पे एम्फीथीसियम से कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। आर्किस्पोरियम है जो यहाँ पे आगे स्पोर मदर सेल और स्टराइल सेल्स बनाएगी। अब यहाँ पर ये इसका
डायग्राम दिया हुआ है कि कॉलमलेट और नॉन कॉलमलेट स्पीसीज का। जो कॉलमलेट स्पीसीज है वहाँ पर, उसमें यहाँ पर कॉलमेला प्रेजेंट है और नॉन कॉलमलेट में बीच में कॉलमेला नहीं पाई जा रही है।